माई चैनल ग्लैम विद प्राची और अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं आप लोग से पहुँच करके ही बात करूँगी। आज हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस हमारे, तो पापा इतनी जल्दबाजी मचाए हुए हैं ना कि मैं फिर वहीं पहुँच कर आप लोग से बात करूँगी। और देखो मैं ये भी ले रखी हूँ, तो अच्छे से आप लोगों को सब कुछ वहाँ का दिखाऊँगी। तो चलो हम लोग नीचे चल, और जहाँ से हम लोग फार्म हाउस जाते हैं ना, उस रोड के जस्ट बगल से नहर गया हुआ है, तो इतना ऑसम वाला व्यू था ना कि मुझे लगा आप लोग को दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग मतलब घर के अंदर पैक हो कहाँ ये सारी चीज़ें अभी देख पा रहे होगे। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू ही आप लोग को घुमा देती हूँ और आप लोग का माइंड फ्रेश करा देती हूँ। और मेन सबसे चीज़ होती है ना कि ग्रीनरी देख करके किसका माइंड फ्रेश नहीं होता, सबका हो जाता है। सो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को इंक्लूड करूं ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में। तो ये देखो ट्रेन की पटरी है और अभी ये देखो आ गया फील्ड, तो यहाँ बच्चे खेलते हैं और मैच वगैरह भी होते हैं, तो काफी सारी चीजें यहाँ होती हैं। तो हम लोग आ गए हैं हमारे फार्म हाउस में और जिधर साइड घर है उधर भी मैं आप लोग को लेकर के चलूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। बट अभी तो फिलहाल यहाँ पर मम्मी लोग गाड़ी से उतरते ही आम बीनने में लग गई हूँ। अभी भिंडी कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं, काफ़ी छोटी छोटी हैं, जो पूरा लास्ट तक है ना पूरा ये भिंडी ही लगी हुई है। तो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने भिंडी भिंडी लगवा दी है पूरे एक एरिया में। तो अभी ये कुछ दिन बाद होंगी अच्छे से खाने लायक, अभी तो काफ़ी छोटी छोटी हैं। और यहाँ से ना मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं यार, बचपन में हम लोग बहुत टाइम तक यहीं रहे हैं और मम्मी तो काफ़ी टाइम तक रही है, मैं तो बाद में पढ़ने चली गई थी अतर्रा, बट मम्मी के साथ मैं भी काफ़ी टाइम तक यहीं रही हूँ। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ की और अभी आपको मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो काफ़ी यहाँ आकर के ना मैं एकदम इमोशनल हो जाती हूँ कि यार एक टाइम था हम लोग यहाँ रहा करते थे। अभी आप लोग को नींबू के पेड़ दिखाती हूँ, नींबू बहुत सारे हैं और जब मैं छोटी थी ना बहुत ज़्यादा नींबू खाती थी, तो स्पेशली पापा ने मेरे लिए लगवाया था कि प्राची नींबू बहुत खाती है, तो खूब सारा लगवाया। ये देखो आंवला का पेड़, इसमें बहुत सारे आंवला होते हैं, बट फिलहाल अभी नहीं है क्योंकि सीजन नहीं है ना आंवला का, तो अभी नहीं है। और यहाँ मतलब ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जो नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा, बहुत सारे नहीं हैं बट मैक्सिमम पेड़ हैं ही। तो आप लोग को नींबू का पेड़ दिखाओ, ये देखो ये नींबू का पेड़ है और ये नींबू लगे भी हैं, ये अभी काफ़ी हरे हरे हैं, ज़्यादा पक्के नहीं हैं बट बहुत सारे लगे हुए हैं, अंदर भी बहुत सारे हैं। और ये देखो एकदम छुट्टू छुट्टू, ये ऐसे तो इतने सारे लगे हुए हैं ना, ये चारों तरफ नींबू ही नींबू लगे हुए हैं, एकदम छोटे छोटे, बड़े बड़े भी बहुत सारे हैं। और अमरूद के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लेकिन अभी अमरूद है नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अमरूद खाने को नहीं मिलती, बस देखने को मिलता है कि हाँ अभी हो रही है। तो यहाँ की तो बहुत ही छोटी छोटी अमरूद है, ये देखो एकदम छोटी छोटी है, तो ये तो मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली खाने को, बिल्कुल नहीं मिलेगी मुझे खाने को, बस देखने क्यों ही है। और आपको दिखाऊं नींबू, देखो कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखो ये नींबू कितने ज़्यादा लगे हुए हैं ना। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जामुन का तो ना बहुत बड़ा पेड़ है, बट अभी इस साल नहीं जामुन हुई है क्योंकि एक साल के गैप में जामुन होती है ना, तो पिछले साल बहुत ज़्यादा हुई थी। ये जो एकदम बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये जामुन का पेड़ ही है, बट इस साल नहीं हुई है क्योंकि एक साल गैप में जामुन होती है, तो पिछले साल हुई थी इसलिए इस साल नहीं हुई है। और बेल का भी पेड़ है, तो बेल अभी इतने इतने हैं, पकते भी हैं बीच बीच में, पापा लेकर जाते हैं शरबत के लिए। तो चलो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखो अगेन
अमरूद का पेड़, तो अमरूद के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं उधर, मतलब स्टार्टिंग में जो गेट है ना मेन गेट, उससे भी लंबे लंबे लगे हुए हैं, बट घर बनना था ना तो पापा ने कई सारे कटवा दिए, बट फिर भी अभी दो तीन पेड़ और उधर है, तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी। कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ आकर के मुझे, मतलब गर्मी तो एकदम गायब ही हो गई घर से, मैं सोच रही थी कि कैसे यहाँ रहूंगी इतनी गर्मी में, बट यहाँ आकर के गर्मी बिल्कुल गायब हो गई, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। तो चलो अभी मैं आगे और आप लोग को दिखाती हूँ, और अब अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और मम्मी देखो झोला ले रखी, इसमें आम डाल रखी है, तो अभी ये पन्ना बनवाएंगे रात में। तो चलो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आपको घर दिखाती हूँ। सो यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है ना, ये सारे के सारे रेंट में देने के लिए रूम बन रहे हैं, जो लड़के पढ़ते हैं ना यहाँ कॉलेज काफी सारे हैं, तो लड़के यहीं रहते हैं। और ये देखो ये जामुन का पेड़, कितना बड़ा जामुन का पेड़ है, जब इसमें होती है ना तो सड़ जाती है घर में पड़े पड़े जामुन, इतनी ज्यादा होती है। अगर पूरे मतलब मोहल्ले में मम्मी देती है सबको, बट फिर भी इतनी ज्यादा होती है ना कि तब भी बच जाती है। और ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम के भी बहुत सारे पेड़ है, कम से कम 5-6 पेड़ आम के हैं, तो काफी ज्यादा आम भी हो जाता है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें ना जो हमें मार्केट से बाहर से सीजनल वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती। और ये देखो अमरूद अगेन, ये जो मैंने बोला था ना कि बाहर साइड भी पेड़ लगे हुए हैं, तो वहां देखो कितनी नीचे लगे हुए हैं, एकदम देखो नीचे बिल्कुल जमीन से थोड़ी दूर से ही लगी हुई है। और ये अगेन एक दूसरा पेड़ है, इसकी अमरूद बहुत टेस्टी होती है, ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती अमरूद, काफी छोटी रहती है तभी ये पक जाती है, बट इतनी मीठी रहती है ना कि इनमें कीड़े भी लग जाते हैं। और ये देखो घर अभी बन रहा है, एक फ्लोर का पहले बना था, ऊपर का और बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को अपनी गौशाला दिखाती हूँ, तो ये हमारी गौशाला, छोटू सा बछड़ा देखो, इतना क्यूट लग रहा था ना, पर पता है मुझे देख देख कर डर रहा था मैं मतलब जैसे ही पास जा रही थी ना तो बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा था। तो ये एक भैंस है और एक गाय है, और दो और इधर बंधे हुए हैं, एक गाय और एक छोटू सा बछड़ा, और ये पता नहीं क्या खा रहा है, अभी मम्मी हटा देगी। और ये इधर अंदर साइड का है, सो यहाँ कोई नहीं रहता है, सिर्फ रेंट में लड़कों को रूम दिया जाता है, और यहाँ कोई यूज नहीं होता है, तो कोई रहने वाला नहीं, बस नौकर चाकर रहते हैं, और जो रेंट में दिया जाता है लड़कों को वो लोग रहते हैं बस, और कुछ यूज नहीं है यहाँ का। तो चलो अभी मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ, ये बच्चों की सैतानी, ये देखो क्यूट ना, क्यूटू सा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा था यार मेरा, इसको इतना खिलाने का मन कर रहा था, बट ये भाग रहा था मुझे देख देख कर। और ये देखो ये जो नींबू का पेड़ है ना, ये पूरा का पूरा सूखा जा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मे भी किसी ने इसके साथ छिड़खानी कुछ कर दी है या क्या पता नहीं कैसे, ये पूरा इतना ज्यादा देखो छोटे छोटे नींबू भी लगे हुए थे और ये सूखा जा रहा है अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। और ये देखो इधर साइड भी रूम ही बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ चारों साइड से रूम ही रूम बने हुए हैं रेंट में देने के लिए। और ये देखो नीचे का भी तो बना हुआ था पहले से ही, बट ऊपर का भी बन रहा है ना, तो अभी पूरा का पूरा हमारा फार्म हाउस अस्त व्यस्त चल रहा है, चारों तरफ आप लोग को सामान ही सामान दिखेगा, कहीं कहीं ईंट पड़ी हुई है, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं बालू पड़ी हुई है, मतलब सारा सामान बिखरा हुआ है। पीछे का व्यू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। तो देखो मेरे पापा बैठे हुए हैं और मम्मी घूम रही है, तो पीछे का व्यू भी बहुत औसम वाला है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम लोग ना पीछे ही पूरा टाइम तक बैठे हुए थे, तो चलो अभी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। और आज मैंने अपने वीडियो में काफी ज्यादा वॉइस ओवर करी है, तो ये नहर आप लोग देख सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को दिखाई थी ना, ये वही नहर है, हमारे घर के जस्ट बगल से गई हुई है। और ये इधर साइड भी हम लोग के आंवला और नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, तो ये जो साइकिल से जा रहा है ना, इधर से ही हम लोग अपने घर की तरफ जाते हैं, मेन रोड यही है। और ये तो मैं पीछे से ही आप लोग को दिखा रही हूँ ना, और आगे तरफ से ही हमारा मेन गेट है। और ये देखो एक रोड और इधर से गई हुई, कितनी अच्छी ग्रीनरी है ना, मन खुश हो गया ना देख करके।
अभी हम लोग पीछे बहुत देर तक चेयर में बैठे हुए थे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर। तो यहाँ एकदम जस्ट बगल में ही है, पास में है, तो आप लोग को भी ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। ये शोर मत मचाओ यार, जब मैं बात करने लगती हूँ ना कैमरा में तभी ये लोग को चिल्लाना होता है। वैसे भी चिल्लाते हैं ऑफ कैमरा भी, बट कैमरा के सामने और ज्यादा चिल्लाते हैं। तो बस अभी हम लोग चलेंगे वहाँ और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी। तो बहुत बहुत मतलब ना हम लोग का जैसे होते नहीं कहते पूर्वजों का माना हुआ मंदिर है और पूर्वजों की मानी हुई माता रानी, कल्याणी माता उनको बोलते हैं। ये घर जाकर मुझे नहाना भी पड़ेगा और मम्मी ना एकदम आज देख रहे हो आम आम लेने में ही मस्त हो गए। मम्मी चलो आज तो मम्मी ना आम लेने में ही बिल्कुल मस्त हो गई। अब जितनी देर तक रहेंगे वो कुछ ना कुछ एक दो गिरते रहते हैं क्योंकि काफी सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो मम्मी आज पूरा आम लेने में ही अस्त व्यस्त है। और देखो मेरे बाल हम पसीने से गीले हो गए। ए बाबू इधर आओ, देखो इसको कहाँ घुसी जा रही है घास में। इधर आओ, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, इधर आओ। अरे मेरा बाबू क्या है, मेरा किच्चा क्या। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। ये देखो तो छोटी सी और है, इसको हम लोग के यहाँ मतलब बम्बी बोला जाता है। एकदम जो छोटी सी पानी की नदी टाइप की जाती है ना उसको बम्बी बोला जाता है। वो बड़ा वाला नहर था और ये छोटा वाला ये बम्बी है। और अभी हम लोग माता रानी के मंदिर आ गए हैं। तो एकदम बगल में ही यार, बिल्कुल बगल में ही है, कहीं नहीं जाना है, बस दो चार कदम चलो और आ जाना होता है। तो देखो दोनों तरफ पानी है और बीच से जाना होता है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। और मम्मी से तो आज मैंने आप लोग को खूब दिखाया ना, मम्मी को इतना आप लोग बोल रहे थे आप अपनी मम्मी को दिखाओ, आप अपनी मम्मी पापा को दिखाओ। तो पापा को तो थोड़ा सा ही दिखा पाई हूँ, बट मम्मी को आज मैंने खूब ज्यादा दिखाया हुआ है। मैं बोली कि आप लोग देख लो पेट भर के, मम्मी को बहुत परेशान थे, मम्मी को दिखाइए। सो आज मम्मी रंग बिरंगी साड़ी भी पहनी हुई है, तो देख लीजिए खूब मम्मी को। और चलो अभी हम लोग दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद बात करूंगी आप लोग से। तो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं और रात के 6:30 बज रहे हैं, रात ही हो गई क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है। 7:30 बजने वाला है। तो हम लोग इतनी लेट में आए हैं, तो चाची के यहाँ भी चले गए थे, बगल में चाची भी रहते हैं तो वहाँ चले गए थे। तो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, बहुत उलझन हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा पसीने खा करके ना एकदम अब इरिटेशन सी हो रही है। तो अभी मैं कपड़े चेंज करने जाऊँगी, बट उससे पहले मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि आज मैं इसमें और कुछ नहीं दिखाऊंगी। वैसे भी आप लोग खाना वाना तो रोज के ही वीडियो में देखते हो, खाना बनाना खाना वो सब तो रोज के वीडियो में देखते हो। और घर में आप लोग भी एकदम लॉक हो, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोग को वो ग्रीनरी वाला टच दिला पाऊँ, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो में ग्रीनरी को जरूर इंक्लूड करूँ। तो आज तो मैंने पूरी की पूरी ग्रीनरी ही भर दी है अपने वीडियो में। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा और घर बैठे बैठे आप लोग ग्रीनरी देख करके खुश होगे और माइंड फ्रेश करोगे। मेरे काजल का हाल देख रहे हो, क्या हो गया ये देखो, पूरा का पूरा पसीने से स्वेटिंग हुई ना, तो पूरा काजल मेरा फैल गया। सो अभी मैं इसको भी छुटाऊंगी और कपड़े भी चेंज करूंगी, बट उससे पहले मैं अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। क्या हुआ, क्या एनी प्रॉब्लम, नो। सो चलो मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, तो बाय बाय।